जय हिंद किसान साथियों, आज मैं अपना बोदी का फसल आपको दिखा रहा हूं जो पूर्ण रूप से जैविक है। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किसान साथियों, ये बोदी का पौधा आप देखिए, जिसमें फल देखिए किस तरह से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किसी भी तरफ, यानी कि सब तरफ देखिए ये फल ही फल आपको दिखाई देगा और गुच्छों में फल आए हैं डबल डबल, इस तरह से देख सकते हैं साथियों। ग्रीन में ग्रीन ही है ना, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर फल लगा है, ये देखिए यहाँ पर फल है, और यहाँ पर देखिए इधर फल लगा हुआ है। साथियों, इसमें केवल गोबर का खाद देकर के पौधे को रोपाई किया गया था, क्योंकि मेरा ज़मीन जो है मोरम मिट्टी है, जिसे रोड पर डाला जाता है, तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम है। इसके वजह से इसमें गोबर का खाद देकर के रोपाई किया गया है। प्लस में इसमें कीड़े वगैरह का चाहे बीमारी से बचाने के लिए ओरिजिनल वस्ती कंपोजर से बनाया हुआ घर पर ही मेरा जैविक उत्पाद है, कीटनाशक है या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैं केवल उन्हीं का स्प्रे करता हूँ। इसके सिंचाई में तो केवल मतलब पानी ही देता हूँ, उसके साथ में ओरिजिनल वस्ती कंपोजर या तो फिर और कुछ नहीं चलाया हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन कम है, इसके वजह से थोड़ा सा पौधा डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसी के मात्रा देने के वजह से देखिए आप पौधे का हरियाली देख सकते हैं, पत्ते वत्ते देखिए, इसका फल देखिए, मतलब पौधे में किस प्रकार का कोई कमी नहीं है, रोग वगैरह भी नहीं है। साथियों, दो तीन पौधों में कुछ रोग लगे हुए थे, जिसका मैं अभी इस पर स्प्रे किया हूँ, तो उसका कुछ कुछ परिणाम मिला है। जब पूर्ण रूप से परिणाम मिल जाएगा तो उसे भी आप लोग को साथ साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। साथियों, ये घर में खाने के उद्देश्य से पौधे लगाया गया है। साथियों, ऑर्गेनिक तरीके से भी देखिए फसल का उत्पादन किया जा सकता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूर्ण तरीके से आप जैविक हो जाइए, रासायनिक को पूरा पूरा बंद कर दीजिए। साथियों, आप धीरे धीरे कुछ प्लॉट में जैविक का, कुछ प्लॉट में रासायनिक का, ऐसे कर करके आप जैविक तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो चलिए साथी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।